आप भारत में मौजूद हैं और मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, और जो जिस खबर पर आज बात कर रहे हैं वो खबर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, और वो खबर ये है कि जब मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी ना, तो बातचीत के वक्त आपने ये कहा था, कुछ तरह की हमारा टॉपिक था जिसमें आपने कहा था कि नहीं, हमने कभी कोई कहा है आपको कि जी हम कब्जा कर लेंगे, या हम जो है वो आपका ये वाला हिस्सा हथिया लेंगे, या हम ये कर लेंगे, हम वहां, यहाँ तो कोई इस तरह की कोई बात नहीं करता। मैंने कहा चलें जी बड़ी अच्छी बात है। अब हुआ कुछ हुआ है कि आप ही के यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने ये कहा, हमें डरा दिया है। मैं तो डर के मारे खौफ से, आप यकीन करें, मैं सोच रही थी मैं कहाँ छुपू, के नीचे किधर चली जाऊं। उन्होंने कहा जनाब बस ये जो है ना, हम कश्मीर पाकिस्तान में जो है इसको तो 2024 तक हथिया लेना। तो बड़े खौफ ज्यादा, मुझे तो रात को नींद नहीं आई, आप यकीन कीजिए, पूरे पाकिस्तान। और फिर हमारे जो है स्पोक्स पर्सन, उन्होंने तो मुझसे भी ज्यादा संजीदगी से इस बयान को लिया, उन्होंने तो बयान दाग दिया। उन्होंने कहा जनाब ये बड़ी मजाक खेज किस्म की एक स्टेटमेंट इन्होंने जारी की है, और इनको चाहिए कि इस तरह की बाज आ जाए ऐसी हरकतों से, यूएन की काउंसिल जो है करारदाद रेजोल्यूशन वो उन्होंने याद करवा दी। तो रोहित शर्मा, आपने गलत कहा था फिर। ऐसा है कि दो तीन चीजें हैं। एक पहली चीज तो ये, आप टेंशन मत लीजिए, जब तक आपको कश्मीर में कोई प्लॉट नहीं है या मकान नहीं है तब तक आप टेंशन मत लीजिए। जब प्लॉट या मकान जाने का डर हो तो टेंशन लीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इंडिया की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स, पहली चीज तो उन्होंने क्या बोला था, उनसे पूछा गया कि कश्मीर हमारा पार्ट बन जाएगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। उन्होंने बोला कि 2024 तक कुछ बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब कुछ बड़ा का मतलब क्या है? कुछ बड़ा का मतलब यह है कि हम आर्मी भेज करके उसे एनेक्स कर लेंगे, ये तो उन्होंने नहीं बोला। ठीक है, दूसरी चीज ये कि इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड है कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया का पार्ट है और हम उसे एक दिन लेंगे, ये भी इंडिया का स्टैंड है, लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड है, हमारी पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, यूनानिमसली पास हुआ है। ठीक है, तो उसी को अगर बोला भी है तो उसी को रिटरेट किया है, हालांकि वो बोला नहीं है। ठीक है, अब जहां तक बात यूएन के रेजोल्यूशंस, तो उसकी तो इज्जत पाकिस्तान ही नहीं कर रहा है, भूल जाइए उसको कि वो उसको इंडिया क्या कर रहा है। वो पाकिस्तान को अगर इज्जत कर रहा होता तो गिलगित बाल्टिस्तान अलग स्टेट नहीं होता। उसने तो यही बोला था ना कि पूरा जो कश्मीर है उसको एक जगह यूनाइट करें। आपने तो कश्मीर को और तोड़ दिया, गिलगित बाल्टिस्तान कर दिया, उसका एक स्टेट बना दिया, अपनी स्टेट बना दिया, ये भी नहीं कि आपने कुछ और किया हो। ठीक है, तो ये भी एक इशू है। अब जहां तक बात ये कि क्या हम डरा रहे हैं, हम डरा तो नहीं रहे हैं। सच तो ये है, हम लोगों ने, इंडिया ने बहुत कोशिश की कि हम पीसफुल चले, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कश्मीर को साइडलाइन करना चाह रहे हैं, हमने हमेशा से यही कोशिश किया। जब लाहौर वाजपेयी जी गए तब भी यही हुआ, लेकिन बार बार कश्मीर को लेके कौन आता बायलेटरल इश्यूज में? अभी कॉटन इंपोर्ट करना था, शुगर इंपोर्ट करना था, तो आप ही लेके आए, आपके ही प्राइम मिनिस्टर ने बोला नहीं जब तक 370 नहीं हटेगी तब तक हम नहीं करेंगे। भाई 370 दोबारा लगाने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, तो 370 से उसको लिंक क्यों कर रहे हैं? एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आता है जिसमें बोला जाता है कि हम पाकिस्तान इंडिया से 100 साल तक बेटर रिलेशन चाहते हैं, वहीं पे आपके अभी जो फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम कश्मीरी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करते रहेंगे। तो यार ऐसे तो नहीं चलेगा, उनको भी पता होना चाहिए कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर जो कि आपके मतलब सपोजिटली आपकी गवर्नमेंट के चीफ हैं और आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने डॉक्यूमेंट दिया है कि हम 100 साल तक पीस रखेंगे, तो आप कश्मीरी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने की बात क्यों कर रहे हैं? उनको अपना स्टेटमेंट भी तो दिमाग में रखना चाहिए ना। हमारे एक मिनिस्टर ने, उन्होंने ये भी बोला, ये इलेक्शन के लिए बोला गया, जहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया महाराष्ट्र, जहां से वो आते हैं महाराष्ट्र, वहां कोई इलेक्शन ही नहीं है, तो उनका जो रिएक्शन था दैट वाज अनवांटेड फॉर, लेकिन उन्होंने दे दिया। ठीक है, उनकी मर्जी है, वो देना चाहते हैं जब स्टेटमेंट दें, लेकिन सच ये है कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि हम कश्मीर लेके छोड़ेंगे या हम कोई एक्शन लेने जा रहे हैं। अभी पुराने हमारे रेजोल्यूशंस हैं, हमारे हमारे हमारा एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड है, उस पर अभी तक हमने कोई अमल नहीं किया है, हमने कोई आर्मी घुसाने की बात नहीं की है, हमने कोई आर्मी को यूज की बात नहीं की है। तो और ऊपर से इंडिया तो हमेशा बोलता रहा पीसफुल रेजोल्यूशन हो। उसी तरफ हम ये देखते हैं जो आपने बात की ना, हम देखते हैं दोनों तरफ इलेक्शन के जब दिन करीब आते हैं तो इस तरह की स्टेटमेंट सामने आनी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने पीएम मोदी से ये कहा कि ये पीएम मोदी ही ये काम जो है कर सकते हैं, जिससे लगा कि वो अपने पीएम को आसमान पे चढ़ा रहे हैं।
एक तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि क्या जो वजीर आजम है वो इस तरह की बातों की जो अंदर बात होती है उसको समझ आ रही होती है कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, या वो वाकई आसमान पर चढ़ जाता है। और दूसरी एक और बात उन्होंने बात की कि दालों से हम, टमाटरों से हम, प्याजों से निकलेंगे तो हम ये कर पाएंगे, तो मतलब वो दाल चावल नहीं खाते? देखिए, दाल टमाटर प्याज इससे निकलना भी जरूरी है और इसमें घुसना भी जरूरी है। जब तक हमारा बायलेटरल ट्रेड नहीं बढ़ेगा, हम दोनों एक दूसरे के रिसोर्सेज से बेनिफिट नहीं लेंगे, तब तक तो हमारे बीच में दोस्ती पॉसिबल नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पहली चीज कि हमारा ट्रेड होना चाहिए, दाल मत खरीदो यार, मशीनरी खरीद लो, मशीनरी ना खरीद रहे कुछ और खरीद लो, कॉटन ले लो, कॉटन चीनी ले लो, इससे तो आई थिंक और क्या हम आपको बेच सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचे, वो तो नहीं होगा ना, तो आप सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हम आपसे कुछ खरीद लें, आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, वो जिहाद को छोड़ के कुछ और एक्सपोर्ट करते हैं, वो हम खरीद लेंगे। तो ये चीजें तो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अब आते हैं हम उस पर के जब पाकिस्तान ने बोला कि हम 100 साल तक पीस चाहते हैं, तो कोई भी सेंसिबल गवर्नमेंट, समझदार गवर्नमेंट हमेशा इस इशू को बहुत ध्यान से लेगी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही छोड़िए, कोई और भी गवर्नमेंट, वो ये नहीं बोल सकती कि हम जंग चाहते हैं, वो यही बोलेगी कि हम पीस चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो खासतौर से। और उन्होंने बोला 100 साल तक पीस चाहते हैं, तो इसको बहुत पॉजिटिवली लिया जाना चाहिए इंडिया की तरफ से, और लिया भी गया होगा कि इन्होंने बोला है 100 साल तक पीस चाहते हैं। और जाहिर है गवर्नमेंट को भी पता है कि मजबूरी है उनकी गवर्नमेंट की, वो अगर वॉर भी चाह रहे हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल उस हिसाब से ली गई होगी। अब जहां तक बात है कि जो बोला था कपिल जी ने कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ये काम कर सकते हैं, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। इससे मैं इत्तेफाक ऐसे रखता हूं कि धमकियां दी जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से भी, और हमारे कुछ अपने इंटरनल कश्मीर के लीडर्स भी बोल रहे थे कि 370 किसी के दमे तो हटा के दिखाओ, नहीं हट सकती जिंदगी में, कभी नहीं हट सकती, हट गई उन्होंने एक बार में हटा दी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने में तो हमें लग रहा है कि कभी कहीं पे गुरेज नहीं करते, वो स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया में लाने का काम, इसके लिए मिलिट्री यूज होगी, आर्मी यूज होगी। और मुझे नहीं लगता जिस तरीके के टेंशन पे हम आ गए थे जब अभिनंदन को पकड़ा गया था, जिस तरीके का रेस्ट्रेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट ने दिखाया, मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं। उस समय तो हालत ये हो गई थी कि हमें तो बीइंग इन इंडिया, हमें तो ये लग रहा था कि वॉर होने ही जा रही है, क्योंकि 1971 के बाद पहली बार हम लोगों ने नो टैम लगाया था, एयर स्पेस दोनों की क्लोज हो गई थी, ट्रूप्स मूवमेंट साफ दिख रही थी, मिसाइल्स डिप्लॉयमेंट साफ दिख रहा था। तो भले ही ये खबरें पब्लिक स्पेस में नहीं आई थी, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों को पता चल जाता है ना कि भाई मिसाइल्स वेसाइल्स भी अपने तैयार हो चुके हैं, ट्रूप्स मूवमेंट बॉर्डर पे जा रही है, सारा नो टैम लगा था, सबको पता था, सारे एयरबेसेस दोबारा खाली कराए गए थे, और यहां तक कि अमृतसर एयरपोर्ट भी खाली करा लिया था। तो उस समय अगर वॉर नहीं हुई तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉर के मूड में नहीं दिखते, वॉर वो लास्ट ऑप्शन लेके चलते हैं। तो वॉर मुझे नहीं लगता होने वाली है, या किसी भी इशू पे अगर इसका कोई पीसफुल हल हो तो वो हो सकता है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी उस वक्त जब उन्होंने ये बात कही, और जिस तरह मैंने कहा कि हम तो बहुत ज्यादा इतने ज्यादा डर गए कि मैंने सोचना शुरू ये कर दिया। मैंने कहा अच्छा चले, अगर ऐसा होगा तो एक तरीका तो ये है कि वो आएंगे और जो कश्मीरी हैं उनके कान में बहलाएं फुसलाएंगे, कहेंगे देखो इस तरफ कितनी महंगाई है, तुम लोग तो महंगाई तले पिस चुके हो, तो इस तरफ आ जाओ, तुम्हें इस तरफ ले चलते हैं, वहां पे महंगाई नहीं है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि भारत अपनी तमाम तरक्की छोड़ के, जितनी तरक्की इस वक्त भारत कर रहा है, जितने ट्रेड चल रही है, जितने कॉन्ट्रैक्ट दुनिया भर से हो रहे हैं कि आपकी जीडीपी इस वक्त 3 ट्रिलियन से ज्यादा पर पहुंच चुकी है, कहा जा रहा है अगले चंद सालों में 5 ट्रिलियन तक शायद पहुंच जाए जो आपकी इकोनॉमी है वो, और आपका जो डिजिटल इकोनॉमी है वो $5 बिलियन से ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। तो मैं ये सोची थी कि इस सिचुएशन में, क्योंकि एक ही चीज रह जाती है ना कि अगर इस ये तरीका हो तो फिर तो जंग के अलावा तो कोई और है ही नहीं ना, आपको क्या लगता है कि भारत इतनी तरक्की की तरफ जो बढ़ा है उसको छोड़कर वो आगे मुस्तकबिल में कोई ऐसी चीज सोच सकता है? नहीं नहीं, इंडिया अभी बहरहाल अपने इकोनॉमिक उस पे चल रहा है, आस्पेक्ट पे चल रहा है। पहली चीज ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि इंडिया का एक गेम है कि आप इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते जाइए, बाकी हम देख लेंगे। और $3 ट्रिलियन इकोनॉमी एक्चुअली जब आप राइज करते हैं तो आप परसेंटेज में राइज करते हैं, 20%, 30%, 10% ऐसे राइज करते हैं। तो आपने
आपका $1 trillion पे आपका 20% जो होता है वो $3 trillion पे 20% उसका अलग होता है वो। तो हमारा अब राइज फास्ट होना चाहिए। अगर हमें 3 trillion, 1 से 3 पहुंचने में हमें लगे 10 साल, तो अगले 3 से 5 पहुंचने में, 3 से 6 पहुंचने में लगने चाहिए 4-5 साल। तो ये जब एक्सपोनेंशियल राइज होता है उस हिसाब से इंडिया अगर बीच में कुछ भी गड़बड़ करने की या कहीं पे भी वॉर में घुसने की सोचेगा तो इकोनॉमी उससे बीटिंग लेगी, नो डाउट अबाउट इट। चाइना भी इसी उस पे है कि भाई हम भी वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। चाइना को पता है कितना वो दिखा दे दुनिया को कि मैं वॉर कर सकता हूं, नहीं कर सकता चाइना भी। चाइना को पता है कि इकोनॉमी बिल्कुल टूट जाएगी। तो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं या जो इकोनॉमीज होती हैं कि फास्टर डेवलप कर रही होती है, फास्ट जिसे बोलते हैं गैलपिंग इकोनॉमीज, वो कभी भी वॉर में घुसने के चक्कर में नहीं रहते। और बट वॉर की सिचुएशन में तो करनी ही पड़ेगी फिर तो। लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया किसी मूड में है कि हम किसी तरीके की वॉर में घुसे पाकिस्तान से या चाइना से। चाइना से गलवान हुए 2 साल हो चुके और 2 साल के बाद भी इंडिया ने बहुत रेस्ट्रेन, क्योंकि वहां पे हमारा सारा इक्विपमेंट वहां पे ही है, वहां पे बोफोर्स पहुंच चुकी है, वहां पर मिसाइल्स लग चुकी हैं, वहां पर हमारा S-400 पहुंच रहा है, साथ में हमारे राफेल पहुंच चुके हैं, सुखोई पहुंच चुके हैं, मतलब सब कुछ है वहां पे। हमारी जो सोल्जर्स हैं वो भी काफी उसमें हैं। और पता ये लग रहा है कि चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो फ्रीज ठंड की वजह से जम के मर रहे हैं। तो चाइना विदड्रॉ भी कर रहा है, पहले विदड्रॉ करता हमें दिखा और चाइना ये कोशिश कर रहा है वहां पर रोबोट्स को ले जाए। तो ये सारी चीजें बताती है कि चाइना कहीं ना कहीं बैकआउट करता दिख रहा है। तो हम लोग भी चाइना से भी अभी वॉर होती दिखती नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में इंडिया क्यों अपने सिर पे एक वॉर फालतू की लेगा कि हम पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को हमें लेना है। हम लोग पीसफुल उसमें चल रहे हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे, ठीक है, हम पीसफुली उसको देख लेंगे, सेटल कर लेंगे, ठीक। तो रोहित शर्मा, आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत में कोई अनकरीब ट्रेड के स्टार्ट होने का कोई ऐसा सिनेरियो देख रहे हैं, कोई बॉर्डर्स होने का, यानी एक दूसरे की तरफ जो आने जाने का सिलसिला ऐसा सोचा जाता है, तो कोई ऐसी चीज आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि फ्यूचर में आपको होती हुई नजर आ रही है दोनों कंट्रीज के बीच? नियर फ्यूचर में तो नहीं दिख रही, सिर्फ एक ही सूरत हाल में हो सकती है जब आपकी आर्मी पावर में आ जाए, क्योंकि आर्मी जब भी आती है हमने ये देखा है कि रिलेशंस बेटर होते हैं, चाहे वो जियाउल हक का टाइम हो या वो मुशर्रफ का टाइम हो। इलेक्टेड गवर्नमेंट को, अपनी आवाम को समझाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कश्मीर छोड़ करके और दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस नॉर्मल क्यों कर रहे हैं। तो और कश्मीर एक ऐसा इशू बना दिया है पिछले 70 साल में, भले ही कोई आदमी कश्मीर गया ना हो लेकिन उसको लगता है कि कश्मीर गया तो मेरा अपना प्लॉट चला गया जिसपे मैं मकान बनाने वाला था। तो इसलिए अभी तो मुझे नहीं लगता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट कुछ करेगी। इलेक्टेड गवर्नमेंट में अगर आप बात करें नवाज शरीफ के, तो वो भी इसी चक्कर में लगे रहे। वो स्कर्दू में जो मीटिंग थी उसमें बोला था कि आप यौम कश्मीर बन जाएंगे, तो वो भी यौम कश्मीर के चक्कर में बर्बाद कर गए। अदरवाइज रिलेशंस बेटर हो रहे थे। और ऐसा ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ाता रहेगा और पीसफुल तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं ये देख रही थी, खबर आ रही थी कि वो जो कहीं पर आपके उधर एक जिना टावर है उसको कोई तिरंगा के रंगों में जो है वो उसको कर दिया, आप इस खबर के बारे में जानते हैं? तो क्या ये क्या मसला है, क्या क्यों उसको इस तरीके से, ये इशू क्या है? ये जिन्ना टावर कुछ लोगों ने जो कि जिन्ना साहब की पार्टी के थे, उन्होंने इस टावर को आजादी से पहले बनाया था, उसका नाम आज तक जिन्ना टावर है। अब उस पर रिपब्लिक डे वाले दिन ट्राइकलर फैलाने जा रहे थे कुछ लोग, लेकिन पुलिस ने रोक दिया क्योंकि कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि इस पर मत लगाइए, तो पुलिस ने उसे रोक दिया। 26 हमारे रिपब्लिक डे नेशनल हॉलीडे वाले दिन कहीं पे भी ट्राइकलर लगाया जा सकता है, और उस दिन पुलिस ने रोक दिया कि आप मत लगाइए क्योंकि कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है। तो फिर उसके बाद नेगोशिएशन हुई, तो अब उसको पूरे को ट्राइकलर में ही पेंट कर दिया। देयर इज नो सच थिंग, कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, वो इशू बन रहा है और लोग उसको दिखाना चाह रहे हैं हमारी विक्ट्री है तो फाइन, वरना जिन्ना टावर तो है तो इंडिया का ही पार्ट, उस पर ट्राइकलर कभी भी लग सकता है, क्योंकि उस दिन माहौल बिगड़ सकता था इसलिए पुलिस ने उसको रोक दिया। अब ये जो लोग ये बोलते हैं कि मुसलमानों को कोई हक नहीं है, उनको समझ में आना चाहिए कि जब इंडिया की पुलिस ट्राइकलर लगाने से किसी बिल्डिंग पे ट्राइकलर लगाने से रोक सकती है, तो मुसलमानों को भी हेल्प करती होगी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पुलिस नहीं करती है, पूरे राइट्स हैं।
हमारा ही कंट्री का ट्राइकलर रोक दिया था, तो बाकी क्यों नहीं होगा। प्रियंका चोपड़ा के हवाले से उन्होंने, आपने कुछ लिखा हुआ था, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये स्टेटमेंट का, इस हवाले से उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है क्या? नहीं, प्रियंका चोपड़ा ने इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। प्रियंका चोपड़ा का वो यह था कि वो डॉक्टर साहब जो इंडियन थे, जो जिन्होंने नवाज शरीफ को वो दिया था मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि लाहौर हाईकोर्ट में दिया गया है, तो उसमें ये बोला गया था कि पहली चीज तो उसमें एक बड़ी खबर ये थी कि आपके स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये बोला, ट्वीट किया बाकायदा, उन्होंने ये बोला कि ये एक इंडियन डॉक्टर है जिसने दिया है सर्टिफिकेट नवाज शरीफ को, तो इंडियन डॉक्टर है क्योंकि वो कश्मीरी है, तो पाकिस्तान ने कम से कम ये एक्सेप्ट किया कि कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। मैं ये बताना चाह रहा था। दूसरी चीज उन्होंने ये भी बोला कि प्रियंका चोपड़ा से उस डॉक्टर की लड़ाई हुई थी, तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रियंका चोपड़ा से उस डॉक्टर की लड़ाई हुई थी, तो इससे इन्फ्लुएंस ये निकलता है कि वो नवाज शरीफ का इलाज नहीं करा सकते क्या? मतलब ये कोई इन्फ्लुएंस मुझे समझ में नहीं आया जो आपके यहाँ बोल रहा था। पर प्रियंका चोपड़ा से लड़ाई हुई थी तो उससे नवाज शरीफ का गला लेना था, नवाज शरीफ तो इलाज करा ही सकते, नवाज शरीफ से थोड़ी लड़ाई हुई थी, बस ये बोल रहा था मैं। बिल्कुल, अब वो उन्होंने इसलिए बात की होगी ना, ओहो आप जानते हैं, एक तो बीच में नवाज शरीफ का मामला, और फिर दूसरा ऊपर से इंडिया आ जाए, और फिर प्रियंका चोपड़ा भी आ जाए, तो वो तो दो तीन बातें मिल जाती है ना करने के लिए। तो उन्होंने कहा ओहो ये भी कोई गद्दारी का बीच में कोई सिस्टम निकल रहा है, इसको भी उसी से मिला दो, घबराइए मत, बस घबराना नहीं है, वो जो कहते हैं ना सुकून सिर्फ कब्र में है, तो ये सब जो है वो ऐसे लोग छोड़ते रहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उस पर हम जरा थोड़ी सी नजर डाले लेते हैं। इसकी वजह ये कि एक तो ये कि अभी हमारी एक कौमी सलामती पॉलिसी आई, जिसमें हमने देखा कि जनाब ये कहा गया कि अब लड़ाई झगड़ा खत्म, बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे, ट्रेड भी होगी, सब कुछ होगा, 100 साल तक कोई जंग नहीं, इस तरह की सारी खबरें हम बात भी करते रहे उस पर करते रहे। लेकिन इसके बावजूद दोनों तरफ से जो है कुछ ऐसे बयान आते रहते हैं। अब जैसे कि चले इसी से स्टार्ट कर लेते हैं कि भारत की तरफ से हम देख रहे थे मिनिस्टर है वहां के नितिन पटेल, उन्होंने कहा जी ये जो कश्मीर की बात की कि इसको तो हम जो है वो 2024 तक अपने साथ मिला लें। आप क्या समझते हैं कि क्या ये वे फॉरवर्ड है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, और क्या इस तरह की चीजों से हम पीछे हट सकते हैं? देखिए जी, मैं देखिए आलिया, पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो ये सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी का मसला नहीं है, बल्कि खित्ते की मजमूई सूरतेहाल के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होगा। और देखिए बात यह है कि दुश्मनियों को लंबे अरसे तक पालना और बदमजगी को और बदइतमादी को पालना ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इसलिए मैं तो बुनियादी तौर पर एक वे फॉरवर्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये कहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन आपको याद होगा एक दफा हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि जिस तरह से कश्मीर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो एक सास और बहू की तरह होते हैं, इसी तरह से अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात देखें तो इसमें हमें दोनों तरफ से डेफिसिट नजर आता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई एक मुल्क इसका बराह रास्त जिम्मेदार है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी पॉलिसियां रही हैं जिससे भारत के अंदर बदइतमादी पैदा हुई, और इसी तरीके से भारत के अंदर भी कुछ ऐसी पॉलिसियां रही हैं जिससे पाकिस्तान के दरमियान बदइतमादी पैदा हुई। और इसमें एक हॉट इशू तो कश्मीर का है जिसके ऊपर कहीं भी कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने 1990 में थर्ड ऑप्शन का नारा भी लगाया था, लेकिन उसके बावजूद चीजें आगे नहीं बढ़ी। फिर इसलिए मैं ये कहता हूं कि आज भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अगर पाकिस्तान की ख्वाहिशात एक तरफ, हिंदुस्तान की ख्वाहिशात एक तरफ, लेकिन उसके बावजूद जो डेफिसिट है वो बहुत गहरा है। इतना आसान नहीं है कि इसको हम किसी एक तकरीर के साथ, किसी एक पॉलिसी के साथ, किसी एक कानून के साथ तब्दील कर सकें। अब इसके लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करना होगा दोनों अतराफ से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसे हॉकिश एलिमेंट हैं जो ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बजाय उसमें बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं। और अगर मोदी साहब इस वक्त जिस तरह से भारत को लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़िए, खुद भारत के अंदर हमने भी माजी में कोई अच्छी पॉलिटिक्स नहीं की हिंदुस्तान के तनाजुर में, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है उसकी एक जरूरत बन गई है कि वो रीजनल पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान के साथ आगे बढ़े अगर उसने अपने आप को इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना है। लेकिन अभी वो स्पेस पाकिस्तान को नहीं मिल रही हिंदुस्तान से जो उसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन मसला सिर्फ ये है, इसका सारा मलबा मैं हिंदुस्तान पे नहीं दूंगा,
हमारे यहाँ भी ऐसे हॉकिश एलिमेंट हैं, जहां ताल्लुकात बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं वहां हमारे अंदर से कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो मसाइल पैदा करने का सबब बनते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ, देखिए ताल्लुकात की बेहतरी का जो वाहिद कुंजी है ना, वो एक ही है कि आप मुज़ाकरात को बहाल करें। दो तरफा मुज़ाकरात बहाल होंगे, पीपल्स टू पीपल कॉन्टेक्ट बहाल होंगे और मुख्तलिफ जो सिविल सोसाइटी आपस में मिलेगी, तभी जाके हम जो है इस ताल्लुकात के अंदर कोई बेहतरी पैदा कर सकते हैं। एक इनिशिएटिव लिया था वाजपेयी के दौर में इलाने लाहौर के साथ, आपको याद होगा, वो बड़ा पॉजिटिव था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर से वो सिग्नल नहीं मिल सके जो उस वक्त भारत को दरकार थे। लेकिन उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए तो उन्होंने कहा कि वो तीन बातें करना चाहते थी। एक ये कि नंबर वन, अगर आप एक कदम चलेंगे तो मैं दो कदम चलूंगा, और फिर ये कहा कि हमें माजी से निकल कर आगे की तरफ देखना है। और अब इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जिसका आपने जिक्र किया है, उसके अंदर ये सारा नेशनल नैरेटिव के तौर पर चीजें बिल्ड की हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर काफी मसाइल हैं, इतना आसान नहीं है। और इसीलिए मैं समझता हूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो इसमें कुछ और ममालिक को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा एज मॉडरेटर, चाहे उसमें अमरीका रोल प्ले करे, चाहे चाइना करे, चाहे बर्तानिया करे, कोई तीसरा फरीक आएगा तो ये दो लोग आपस में बैठ के कोई बातचीत कर सकते हैं। अदरवाइज इस वक्त जो एनवायरनमेंट है वो बातचीत का नहीं है। अब मैं इस ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन कितना कसूरवार है, लेकिन एक बात तो हमें समझ आ रही है कि हिंदुस्तान फिलहाल समझता है कि बातचीत जो है वो पाकिस्तान के मफाद में है, इसलिए वो ये रास्ता देने की कोशिश नहीं कर रहा। सलमान साहब, आपकी बातों से कुछ सवाल मेरे पास उभरे हैं, मेरे दिमाग में आए हैं जो मैं आपसे करना चाहूंगी। कुछ थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट भी करूंगी किसी बात पे, हो सकता है किसी बात पे जो है मेरे, मैं आपके साथ अग्री भी कर रही हूँ। मतलब एक तो ये बात कि ये जो बात आपने कही कि देखिए इमरान खान साहब ने जो है वो कहा कि वे फॉरवर्ड और हम तो जो है वो दोस्ती वगैरह सब कुछ, लेकिन हमने ये देखा कि जब तिजारत की बात हुई तो उसके बाद एक पॉइंट वो आया कि जिस पर काबीना ये फैसला कर रही थी कि ट्रेड स्टार्ट करने लगी, और फिर एकदम से सुबह पता चला कि वो फैसला तब्दील हो गया, कोई तिजारत नहीं होगी हमारी तरफ से, और आपने मुद्दा उठा के बीच में कश्मीर का रख दिया। बात ये है सर के उस तरफ से वीट के सिलसिले में, गंदुम के सिलसिले में पेशकदमी हुई, उन्होंने कहा हम गंदुम भेजते हैं, और उसके बाद उसके लिए भी हमारी तरफ से डिनाई हो गया, कोई सूरत हाल नहीं बन पाई, कोई कंडीशन जो भी थी हमारी तरफ से, बट एवर ठीक है, उन्होंने ईरान को इस्तेमाल कर लिया। कोई इंसान, कोई मुल्क, कोई रुका तो नहीं रहता कुछ करने से, वे फॉरवर्ड तो हर एक के पास होता है, हमारे पास सिर्फ नहीं, मुझे तो ऐसे ही लगता होता। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या क्या मसला है कि हम ट्रेड क्यों नहीं शुरू कर पाए, फैसला करते करते क्यों रुक गए? इसलिए कि आगे इलेक्शन है, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन में तो सबसे बड़ा जो स्लोगन इस्तेमाल होता है वो भारत का होता है। देखिए आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है, आपको याद होगा जिस वक्त कैबिनेट ने भारत के साथ तिजारत की बात शुरू की तो यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, फजलुर रहमान साहब ने और जरदारी साहब ने ये इल्जाम लगाया हुकूमत पे कि इन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया है, और कश्मीर का सौदा करने के बाद अब तिजारत जो है वो ओपन की जा रही है। ये एक प्रेशर इंटरनली हमारी अपोजिशन जमातों ने क्रिएट किया जिससे हुकूमत को एक डिफेंसिव पोजिशन पे जाना पड़ा। पहली बात तो ये है कि हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स हैं वो बड़े खतरनाक हैं, हम फौरी तौर पे चीजों को सिक्योरिटी के साथ जोड़ लेते हैं, गद्दारी के साथ जोड़ लेते हैं, और ये इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने और इमरान खान ने मिलकर कश्मीर का सौदा कर लिया है। तो एक रद्द अमल फिर आपने वो देखा जिसकी जिक्र आपने किया, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है उसके अंदर भी वाजह तौर पर लिखा है कि कश्मीर हमारा एक कोर इशू है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह आ रहा है कि हिंदुस्तान इसको कोर इशू भी मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी जिस वक्त आप ये कहते हैं ना, मैं जाती तौर पे अपनी राय देना चाहता हूं, मैं तिजारत का भारत के साथ हामी हूं, और मैं इस सोच का हामी नहीं हूं कि पहले जो है ना कश्मीर आजाद हो जाए और उसके बाद तिजारत होनी चाहिए। ये दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए, यानी कश्मीर के ऊपर बातचीत भी होनी चाहिए और साथ बाकी मामला ट्रेड वगैरह चलने चाहिए। लेकिन जिस वक्त भारत ये कहता है इंटरनेशनल मीडिया में खड़े होके, नेशनल मीडिया में खड़े होके कि कश्मीर के ऊपर तो कोई बात ही नहीं हो सकती, ये तो हमारा अटूट अंग है, तो फिर पाकिस्तान जो है वो कैसे वो कुशन क्रिएट करे, अपने लोगों को मुतमईन करे, जहां एस्टैब्लिशमेंट भी है, जहां मजहबी जमातें भी हैं, जहां दाएं बाजू की जमातें भी हैं, जहां पीपल्स पार्टी जैसी जमात भी जो है कश्मीर के ऊपर पॉलिटिक्स करती है। आपको याद होगा 2017 में और 16 में जिस वक्त कश्मीर के इलेक्शन हुए थे तो बिलावल भुट्टो साहब जो है कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में नवाज शरीफ गद्दार के नारे लगाते थे, और ये नारा उनका बड़ा मशहूर था कि भारत का जो यार है
वो गद्दार है। हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के भी बहुत से मसाइल हैं, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई स्पेस हिंदुस्तान देता, कोई बातचीत करने के लिए भी तैयार होता, और जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कंपोजिट डायलॉग है उसके अंदर कम अज कम इसको डिस्कशन पॉइंट के ऊपर भी लाता तो एक स्पेस निकल सकती थी। अनफॉर्चुनेटली वो स्पेस नहीं निकली। फिर आप ये देखिए किरतारपुर के हवाले से जो इनिशिएटिव लिया वहां पर भी वो रिस्पॉन्स हमें उस तरह से नहीं मिल सका। फिर अभिनंदन के कॉन्टेक्स में जो इनिशिएटिव लिया उसको भी पाकिस्तान की कमजोरी के साथ जोड़ा गया। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों को हम वन साइडेड ना देखें, कुछ चीजें टू वे भी हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से प्रेशर है, यहाँ जरदारी साहब की भी हुकूमत होगी, इमरान नवाज शरीफ की भी हुकूमत होगी या इमरान खान की भी हुकूमत होगी। अपोजिशन जो है ना वो इसके ऊपर पॉलिटिक्स करती है, और फिर एस्टेब्लिशमेंट के अपने मफादात भी उसके साथ जुड़े हुए होते हैं चीजों के साथ। तो ये प्रेशर तो इमरान खान की हुकूमत पे आया, लेकिन सवाल ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खत लिखा था नरेंद्र मोदी को दो तरफा डायलॉग के हवाले से और कहा कि हमें आगे मिलकर बढ़ना चाहिए, तो उस इनिशिएटिव का भी फायदा जो है ना हिंदुस्तान ने नहीं उठाया, बल्कि ये कहा कि डायलॉग अब नहीं हो सकता और पाकिस्तान अपने मफाद में इन चीजों को लेकर चल रहा है, पहले दहशतगर्दी खत्म करें। अच्छा, दहशतगर्दी जो है वो भी दो तरफा मसला है। देखिए अब इस वक्त आप अगर संजीदगी से देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है और हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सी ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं जो दहशतगर्दी के जुम्मे में जाती हैं। हम एक दूसरे को ब्लेम देम देते हैं कि जी फला जिम्मेदार है और वो फला जिम्मेदार है, लेकिन हम डायलॉग के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है कि काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म कैसे बनाया जाए जिसमें हिंदुस्तान की स्टेट या गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे और हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और उसको फैसिलिटेट करें, और जितने भी नॉन स्टेट एक्टर हैं माजी में जो जिनको पालता रहा है वो उनको किस तरह से हम एलिमिनेट करें। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें हिंदुस्तान की तरफ से भी इनिशिएटिव आने चाहिए थे, अनफॉर्चुनेटली हमने भी वो नहीं देखे। सलमान साहब, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने एक बात ये की कि पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें जो अपोजिशन है वो बहुत प्रेशराइज करती है, और ये सब हमेशा से चलता आ रहा है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है कोई भी हुकूमत हो वो इस हवाले से कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश करे तो अपोजिशन उसके सामने खड़ी हो जाती है और फिर ऐसे नारे लगते हैं कि मजबूर होके। तो ऐसा ही एक महसूस हो रहा है कि जैसे इमरान खान साहब जो है उन्होंने ट्रेड का जो मामला है वो भी मजबूर होकर उन्होंने वापस लिया क्योंकि उनके ऊपर बार बार अपोजिशन की तरफ से कश्मीर का सौदा करने का जो है वो लगता है। सर, हम बीइंग अ पाकिस्तानी ना, क्योंकि पाकिस्तानी है जाहिर है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा जो है हम अपने खौफ से पूरे तरीके से इसलिए नहीं निकल पाते कि हमें थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। हम कहते हैं भाई बैलेंस कर दो, क्योंकि इसकी वजह यह है कि सारा मलबा अगर अपने ऊपर ले लिया तो बड़ा मसला पड़ जाएगा। आप जानते हैं ठीक है यहाँ पे कोई एक मसला थोड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि जो दहशतगर्दी की बात आपने की, जो आपने कहा नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा बात की जाती है, यूरोप ले लें आप, वहां पर जो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाने की बात की जाती है, जो यहाँ पर टीएलपी यहाँ पे सूरत हाल पैदा करती है, वैसे माहौल तो भारत में नहीं है। कश्मीर का मसला एक अलग चीज है, ठीक है, वो क्योंकि हम बात करते हैं उस पर रेजोल्यूशन की, हम बात करते हैं, वो हमेशा से चलता चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक तो ये सवाल कि सर हम ये बैलेंस नहीं कर सकते जो पाकिस्तान की नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से सिचुएशन है और जो दुनिया हमें जिस नजर से देखती है। भारत उससे बहुत आगे निकल चुका है क्योंकि जाहिर है कि वो एक बड़ी इकोनॉमी भी है, वो एक बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन देखिए और फिर ये कि एक डेमोक्रेसी कितनी बड़ी थी, इन सब को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन मेरा सवाल जो है वो आपसे ये होगा सर कि क्या आप समझते हैं अभी भी इस वक्त भी आफ्टर 370 और क्या जो इस वक्त हमारी पोजीशन है कि हम भारत को उस मोड पर ले आए कि अब वो कहते हैं कि आपका कश्मीर, पहले तो वो नारा ये नहीं लगाते थे। मैं तो एक और इस नारे पे सर आप क्या समझते हैं कि हम वो झंडा लहराएंगे गजबा हिंद और कश्मीर को आजाद करवा सकते हैं, जबकि हम तो 20 मिनट के लिए हमने खड़े होना था फ्राइडे को, हर फ्राइडे को मेरा ख्याल है शायद 4 फ्राइडे गुजरे होंगे हम खड़े होंगे, उसके बाद वो भी खत्म, इसके बावजूद आप ऐसा समझते हैं? देखिए बात यह आलिया, मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला सिंपल ये है कि इसका फैसला कौन करेगा, क्या हिंदुस्तान फैसला करेगा, क्या पाकिस्तान फैसला करेगा या कश्मीर के लोग फैसला करेंगे। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हम कश्मीर के लोगों की वॉइसिस को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम तो बार बार ये कह चुके हैं कि जी असल फरीक जो है वो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के लोगों को डिसाइड करना है कि वो इंडिपेंडेंट कश्मीर में जाना चाहते हैं, वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अब इसका कोई मैकेनिज्म, जब तक कोई कंपोजिट डायलॉग नहीं होगा इसके ऊपर तो ये बात आगे नहीं निकल सकेगी। अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है, आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर, आपको भी पता है अच्छी तरह कि पाकिस्तान में कभी कोई जनरल इलेक्शन हिंदुस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं हुआ,
लेकिन हिंदुस्तान के तमाम इलेक्शंस का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें, और मेरे पास वो वीडियोस भी मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूं, जहां दो चीजें बिकती हैं, एक पाकिस्तान दुश्मनी का एजेंडा बिकता है और एक मुस्लिम दुश्मनी का एजेंडा बिकता है। और ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरियल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स और है, हिंदुस्तान के अंदर इलेक्टोरियल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स और है। इसलिए प्रॉब्लम जो है हमारे यहाँ किसी और नोयत के हैं, वहां हिंदुस्तान में किसी और नोयत के हैं। अच्छा, आपने कहा कि मकबूजा कश्मीर को जरा छोड़ देते हैं, मैं उस पर बात नहीं करता कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन आपको याद है शहरियत के हवाले से हिंदुस्तान में क्या हुआ। अभी आप ये देखिए कि जो यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट्स आई हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स आई हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स आई हैं, इन तमाम रिपोर्ट्स को देख लें, जो ये बर्मला कह रहे हैं कि भारत में जो मिनोरिटीज हैं उनके साथ वो सलूक नहीं हो रहा जो होना चाहिए था, और नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है, और खुद भारत के अंदर से वॉइसेस जनरेट हो रही है। आप इन चीजों को भी देखने की कोशिश करें कि सिचुएशन ये नहीं है कि सारा का सारा खराबी जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी है, हिंदुस्तान के अंदर भी वो खराबी है। अच्छा, आपने बात की 35A की और 370 की, अब आप देखिए जो दिल्ली सरकार के साथ जुड़े हुए थे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, वहां के जो मेयर थे श्रीनगर के, आज ये सारे लोग क्यों इस वक्त मोदी की पॉलिसी के खिलाफ खड़े हुए हैं? ये क्यों नहीं, जो कल तक तो दिल्ली सरकार के साथ थे ना, आप उनकी वॉइसिस को नहीं सुन रहे? आप बीबीसी की रिपोर्ट्स देखें जो कुछ वहां मकबूजा कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान, अगर पाकिस्तान मिलकर नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, ये रवायती तरीके से नहीं होगा, ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजों को देखना पड़ेगा, और अपने अपने पुराने स्टांस जो है उनसे बाहर निकलकर जो नई सूरत हाल है उसके मुताबिक कुछ फैसले करने पड़ेंगे, तब जाके आप चलेंगे। पुराने पुराने मौकफ के ऊपर अगर खड़े रहे तो ये मसला हल नहीं होने वाला। ठीक है सर, ये जो आपने बात की ना, यही क्रक्स है ना, कि ये आपने बात कर दी कि पुराने आप उस पे खड़े रहेंगे, लेकिन जब आप ये बात करते हैं ना कि देखिए वहां पर उसको देख लीजिए, महबूबा मुफ्ती को आप वहां पे देख लीजिए, उसकी रिपोर्ट देख लीजिए वहां पे, तो फिर वो बात करते हैं बलूचिस्तान की कि देखिए वहां पर क्या क्या कुछ हो रहा है, उसके ऊपर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं आप उनको भी उठा लीजिए, वहां के लोगों जो कह रहे हैं आप उसको भी देख लीजिए, वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो किस तरीके से खड़े हो रहे हैं, उनको जो है वो जेल किस तरीके से भेजा गया, ये सब कुछ उस तरफ से भी आवाजें उठती हैं। लेकिन हमारा मसला ये सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा, हम कुछ देर के लिए अगर इन ये जो डिस्प्यूट्स हैं इनको साइड पर रख दें, क्योंकि ये तो 70 इयर्स या जितने भी हो गए, डेकेड्स गुजर गए, तो क्या अगर इन्हीं को लेकर चलना है तो मैं और आप इसी तरीके से बहस करते रहेंगे, वो तो कोई फायदा नहीं होगा। मेरा सवाल आपसे, मैं इसलिए क्योंकि सर ये जो आप बात करें ना कि सिर्फ इसका नहीं है, लेकिन क्योंकि इस तरफ जो है हमारे साथ इस वक्त कोई इंडिया की साइड का नहीं है, लेकिन सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं अपनी पॉलिसीज पे भी बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ और दूसरी तरफ भी अगर कुछ गलत नजर आता है तो मैं बात करती हूँ। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि इस वक्त अगर आप दुनिया के इस प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए यहाँ पर, तो आपको दोनों मुल्कों में जब हम भारत को देखते हैं तो वो तरक्की करता हुआ मुल्क हमें नजर आता है। मेरा ये है जो हम बात करें छोटी, वो अपनी जगह पर वो मसाइल मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान जो है जब हम उसको देखते हैं तो हम उन मसाइल में उलझे हुए अपने इन ये जो हम बातें कर रहे हैं दहशत गर्दी, आप जानते हैं कितने बड़े मसाइल हमारे मुल्क के सिर्फ इस वजह से हैं, अंदर के मसाइल कि हमारे अंदर जो दहशतगर्दी है और जो हमारे TLP और इस तरह के जितने ग्रुप्स हैं, जब हम उनको खुले छोड़ देते हैं तो फिर वो पूरे मुल्क में आगे लगाते फिरते हैं, और फिर ये कि हमारी जो पॉलिसीज है, हम एक तरफ आप देखिए कि हम वहां पर इमरान खान साहब जो है वो चाइना गए, अब ये गुफ्तगू हो रही हर जगह पर कि उनसे जो है वो जो वर्ल्ड लीडर्स है वो नहीं मुलाकात कर रहे, दूसरी तरफ हम इंडिया की तरफ देखते हैं उनसे पूरी दुनिया मुलाकातें भी करती है और उनके तो कौन सा मुल्क ऐसा है जिससे ट्रेड ना हो रही और कॉन्ट्रैक्ट्स ना हो रहे हो। देखिए पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान की तरक्की का और पाकिस्तान की तरक्की का तो कोई मवाजना होना नहीं चाहिए, ये मवाजना ही गलत है, पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि माशी तरक्की के हवाले से या उनकी जो सफारती डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत आगे है, मुझे तो इसमें कोई दो आरा नहीं है कम अज कम, और मैं इस कंपेरिजन में भी जाना चाहता, पाकिस्तान के मसाइल अपने नोयत के बड़े सीरियस नोयत के मसाइल हैं, यहाँ गवर्नेंस के इश्यूज हैं, यहाँ इकोनॉमी के इश्यूज हैं, यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं, यहाँ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, यहाँ बहुत से और इश्यूज भी हैं, लेकिन जब आप इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब गुफ्तगू करें तो ये नहीं होगा कि जी पाकिस्तान में ये मसाइल है, तो मैं तो ऐसे 10,000 मसाइल जो है आपको हिंदुस्तान के अंदर भी दिखा दूंगा कि जो इंडिया के इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में पॉवर्टी के सीरियस कॉन्टेक्स्ट है वो भी वहां मौजूद है, इसलिए इसे बहस नहीं है। बहस ये है कि अगर हमने इंडिया और पाकिस्तान ने आगे जाना है, मसलन अब आप देखिए ना जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और नेशनल पॉलिटिक्स में, अभी आज से 7-8 साल पहले जो है जो हम टेररिज्म भुगत रहे थे, आज हमारी टेररिज्म की सूरत हाल वो तो नहीं है, और ये पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने अपना टेररिज्म को जिस तरह से लीड किया है,
जिसमें हमारे जवानों ने, चाहे वो फौजी हैं, चाहे पुलिस हैं, चाहे आम शहरी सिविलियन है, सबने कुर्बानियां दी हैं, और आज हमारी सिचुएशन जो है वो माजी के मुकाबले में ज्यादा सेफ है। एक बात अच्छा, फिर जो अब एक जमाने में हमारे यहाँ आपको पता है बहस थी गुड तालिबान और बैड तालिबान के बारे में, यहाँ बाकायदा मीडिया में उनके हमायती बोलते थे, आज वो चीजें सिचुएशन भी नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से कभी आपने नहीं देखा कि हमने जियो स्ट्रेटेजिक के ऊपर जब बात की थी तो कभी हम जियो इकोनॉमिक्स की बात नहीं करते थे, हम जियो कनेक्टिविटी की बात नहीं करते थे, हम जो है रशिया के साथ और उनकी रियासतों के साथ ताल्लुकात की बेहतरी की बात नहीं करते थे। तो अब चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव आगे बढ़ी हुई है, जो स्पेस क्रिएट की गई है उसके अंदर चीजें हो रही है। आपने बलूचिस्तान की मिसाल दी, ये नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे, यूसुफ जदा गिलानी साहब भी कहते रहे, राजा परवेज अशरफ भी कहते रहे, इमरान खान भी कहते रहे कि जी हमारे पास ये एविडेंस है कि हिंदुस्तान की मुदाखलत बलूचिस्तान के अंदर किस तरह से मौजूद है, ये बात होती रही है। कुलभूषण यादव की मिसाल आपके सामने है। अच्छा, इसी तरीके से हिंदुस्तान ये कहता है कि हमारे यहाँ जो मुदाखलत हो रही है हमारे पास भी एविडेंस है, ठीक है, पाकिस्तान उसमें मुदाखलत करता है। तो ये इश्यूज तो मौजूद है। और ये भी आपको याद है कि जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी जो रॉ है उसका और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी का जो नेक्सस था, जो खासतौर पर काबुल के अंदर बैठ के जो पूरी की पूरी एंटी पाकिस्तान बैशिंग होती थी, उसमें आपको पता है कि अफगान मीडिया कौन लीड करता था, कौन उनके स्पॉन्सर्ड है, हिंदुस्तान में कौन लोग हैं जो उसको स्पॉन्सर करते थे, ये बातें सारी हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब इसमें पढ़ेंगे तो फिर मैं यही तो कह रहा हूं कि हमें अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान है और चाहे वो हिंदुस्तान है। अगर आपने वे फॉरवर्ड की तरफ जाना है, अगर हमने इल्जाम तराशियों के ऊपर रहना है, माजी के ऊपर रहना है और ये कहते रहे कि आपने फला पहले ये किया था, उसने कहा फला इसने किया, तो फिर हम आगे नहीं चल सकेंगे। अगर आपने आगे जाना है तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ एक चीजों के ऊपर आपको इत्तफाक करना पड़ेगा। आपको याद होगा जब ट्रंप आए थे हिंदुस्तान तो उन्होंने हिंदुस्तान में बैठ के नरेंद्र मोदी के सामने कहा कि पाकिस्तान हमारा बेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और जो दहशतगर्दी के हवाले से उसका जो कंट्रीब्यूशन है हम उसको रिकग्नाइज करते हैं। तो बड़ा भारत में बड़ा शोर मचा था कि जी अमरीका ने क्यों इसको सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, और जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो जहां पाकिस्तान के खिलाफ आती हैं उसी तरह की कुछ रिपोर्ट्स हैं हिंदुस्तान के खिलाफ भी आ रही है ना, ये कोई नई बात तो नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट सारे शेयर कर सकता हूं जिसमें हिंदुस्तान को भी कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कॉन्टेक्स में, माइनॉरिटीज राइट्स के कॉन्टेक्स में, मुसलमानों के साथ जो चीजें हो रही हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अब इससे आगे बढ़ने का क्या रास्ता निकाला जाए ना, जो हमारी दानिश्वरी है, जो वहां की सिविल सोसाइटी है। अब आप मुझे बताइए, एक सेकंड, आप मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, एक सेकंड सर, छोटा सा कॉमेंट कर लूं। आप मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, आप इंडियन मीडिया भी देखती हैं, जरा इंडिया मीडिया का जो एटीट्यूड है वो देखें और फिर हमारे यहाँ भी रिव्यू करें। दोनों तरफ के जो मीडिया है वो एक दूसरे को करीब लाने की बजाय उसमें फासले पैदा कर रहे हैं, ये भी तो एक चैलेंज है ना हमारे लिए। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बात, मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ कि जो मीडिया का रोल है वो कोई इतना अच्छा हमें नजर नहीं आता, वो करीब लाने की बजाय दूर ले जाने की कोशिशें करते हैं। लेकिन अभी आपने जो बात की ना सर, ये बड़ा हमारे एक मुंह पर ये होता है, वहां पे जो मुसलमान है, हमारी टोटल जितनी पॉपुलेशन है उनके उतने मुसलमान है वहां पर, और वो उसको माइनॉरिटी नहीं, वो बहुत, वो कहते हैं कि जितनी उनकी तादाद है वो माइनॉरिटी से कहीं आगे निकल गए। लेकिन हमारे यहाँ कोई 4% टोटल, 4% से 5% माइनॉरिटीज रह गई हैं, और उस पे भी जो हमले होते हैं, अभी आप जानते हैं कि जो दो दिन पहले पिशावर में जो पादरी को कत्ल कर दिया गया, उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आई किसी बड़े उसकी, और हम ये देखते रहे इस्लामोफोबिया की बार बार बात की गई, जो अपने उसी दिन अपने मुल्क में हुआ उसके ऊपर कोई नहीं बोला। सर ये तो फिर हम क्यों हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ना, सिर्फ ये वाली चीजें तो बात होनी चाहिए। आप सही कह रही हैं, मैं आपसे जी सलमान साहब आपका आवाज आ रही है, तो कई हवालों से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर अब जो आप देखिए कौमी असेंबली में माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, सूबाई असेंबली में माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, सेनेट के अंदर माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो माइनॉरिटीज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आप उनका नुक्ता नजर सुने और जो आप माइनॉरिटीज ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम करती हैं उनका नुक्ता नजर सुने तो उसमें एक तजाद नजर आता है, टकराव नजर आता है, दोनों का नुक्ता नजर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात से आपसे इत्तफाक करते हुए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को कई हवालों से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना है, और पाकिस्तान की रियासत को इसके ऊपर बड़े संजीदगी से सोचना पड़ेगा। जैसे आपने अभी पादरी साहब की बात की है, दो पादरियों को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया है,
इस तरह के वाकयात हम देखते हैं तबातर के साथ मीडिया में रिपोर्ट होते हैं जहां मिनोरिटीज को करने की जरूरत। अब देखना यह है क्या यहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर्ड ये उनके साथ जुल्म हो रहा है, क्या यहाँ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो रहा है, या कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ इंतहा पसंद लोग हैं जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। ये एक फर्क हमें देखना पड़ेगा। या तो आप कहें कि पाकिस्तानी स्टेट जो है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो बराह रास्त मिनोरिटीज को दबाना चाहती है, और मैं आपको बताऊं पाकिस्तान एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में रहता है, पाकिस्तान एक बड़ा मुश्किल मुल्क है, इतना आसान मुल्क नहीं है मिनोरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ बहुत से वाइसेस मौजूद है, यहाँ रिलीजियस एक्सक्लूड रहा है, आपको पता है सारा का सारा जिस तरह से हमने चीजें की है, तो चैलेंजेस मौजूद है। इन चैलेंजेस को डील करना भी पाकिस्तान की स्टेट का, पाकिस्तान की रियासत हुकूमतों का ये मसला है। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है हमारा जो है ना, जब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो साथ ही आप भी ये कह देते हैं और बहुत से लोग कह देते हैं, देखिए जी पाकिस्तान में भी मिनोरिटीज के साथ जुल्म होता है, हिंदुस्तान में हो रहा है तो कौन सी नई बात है। अब मसलन आप देखिए वहां सिख भी तो एहतजाज कर रहे हैं ना, वहां मुसलमान भी एहतजाज कर रहे हैं, वहां ईसाई भी एहतजाज कर रहे हैं, वहां तो सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ एहतजाज हो रहा है, एहतजाज तो वहां पर भी हो रहा है। इसलिए ये कह देना कि सिर्फ मिनोरिटीज के साथ जुल्म पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और भारत में मिनोरिटीज के साथ कुछ होता नहीं है, तो ये भी एक ज्यादती है कि हमें दोनों तरफ की एक बैलेंसिंग देखनी पड़ती है कि मिनोरिटीज को राइट को प्रोटेक्ट करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम इसमें हमारे ग्रे एरिया है पाकिस्तान के अंदर, ये ग्रे एरिया मौजूद है, मैं पहले आपको इतराफ कर रहा हूं, अब इनको दूर करने के लिए हमारी पार्लियामेंट को, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, हमारे मीडिया को, हमारी सिविल सोसाइटी को रोल प्ले करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो रोल उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, इसमें तो कोई डिबेट नहीं है मुझे कम से कम। जी सलमान साहब, आपको बस आखिरी ये वाला मैं कमेंट करना चाहूंगी कि ये जो आपने कहा कि हमें ये देखना होगा कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है या नहीं होता, तो अगर हम ऐसे ग्रुप्स को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाएंगे और हम ये और वो ये आके कहेंगे कि हम बताएंगे कि अगला किंग कौन होगा, हम किंग में करें, तो जब एक टाइम ये होगा हम उनको कहेंगे कि ये इंडियन एजेंट है और वो पूरे मुल्क में आगे लगा रहे होंगे, और फिर कुछ दूसरे दिन हमें ये पता चलेगा वो तो कौमी धारे में आ गए भाई, तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड ही कहलाता है। जब ऐसे ग्रुप्स मेनस्ट्रीम में आ जाते हैं तो फिर आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि उनके पीछे हुकूमत और रियासत मौजूद है, क्योंकि वो इलेक्शन भी लड़ते हैं और वो असेंबलीज में भी आ जाते हैं। आप और उसे बताएं, आप एक बात का जवाब दें, अमरीका ने इतनी बड़ी जंग लड़ी है अफगानिस्तान के अंदर और वो 10 दिन में तालिबान को खत्म करने आए थे, और फिर उन्होंने तालिबान के साथ निगोशिएट किया और तालिबान की शरायत पे ही कुछ माहदे तय हुए दोहा में बैठ के सारे के सारे। देखिए अल्टीमेट जो नतीजा होता है वो आप जंगों के बाद किसी मुज़ाकरात की तरफ ही जाते हैं। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो वो मेन स्ट्रीम धारे में शामिल हो जाए या उनके खिलाफ फिर ताकत का रियासत का एक्शन हो। मिसाल के तौर पे अभी टीटीपी का इशू चल रहा है पाकिस्तान में, टीटीपी के बारे में पहले ये फैसला हुआ कि हमने इनको ताकत के साथ कुचलना है, उसमें अफगान गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटेट का रोल प्ले किया और उन्होंने कहा नहीं जी इनके साथ बातचीत होनी चाहिए। हमने कहा अच्छा ठीक है, हम बातचीत करने के लिए तैयार है अगर वो स्टेट के सामने अपने आप को सेंडर करने के लिए तैयार है। अच्छा जो शराइत टीटीपी ने रखी वो पाकिस्तान के लिए काबिले कबूल नहीं थी, तो इसलिए जो भी बातचीत चल रही थी वो खत्म हो गई। अब वो इस वक्त उनके साथ मुकाबला चल रहा है, ये चलेंगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब तक कोई भी ग्रुप, चाहे वो सियासी हो चाहे वो आपका रिलीजियस ग्रुप हो, अगर वो स्टेट की रिट को चैलेंज करेंगे तो फिर मुकाबला होगा। अगर वो स्टेट के साथ सरेंडर करके खुद को विड्रॉल करना पसंद करेंगे और मेन स्ट्रीम में आना चाहेंगे तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है मुझे बताइए। मैंने आपको अमेरिका की मिसाल बता दी है और मुल्कों की मिसालें मौजूद है जहां ये सब चीजें हम देख सकते हैं कि फाइनली आपको सिर्फ हमें सिर्फ ये देखना होता है कि निगोशिएशन के अंदर स्टेट अपनी कमजोरी दिखाते हैं और स्टेट अपनी ताकत दिखाती है। ये फर्क होता है जिसको हमें निगोशिएशन के अंदर देखना होता है कि कौन कितना बालादस्त होकर मामलात को तय कर रहा है। तो ये चीजें चलेंगी हमारे यहाँ, मैंने आपको कहा ये कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है पाकिस्तानी रियासत के अंदर भी, और इन्हीं तंजीमों के बारे में आपको पता है अभी टीएलपी के बारे में भी हमारे यहाँ कितनी उलझाव है ज़हनी तौर पे, कुछ लोग उनके बारे में कुछ और कहते हैं और वो स्टेट्स के अंदर भी लोग शामिल हैं, मुख्तलिफ जमातों के अंदर लोग शामिल हैं, हमारी सियासी जमातों के अंदर भी दोहरे मियारात हैं, दोहरे मामलात हैं, हमारे मीडिया के अंदर भी देखिए माशाल्लाह बड़े बड़े एंकर जो हैं वो उन टीएलपी के बारे में किस किस्म की गुफ्तगू उनकी पजीराई करते रहे। तो ऐसे तजाद के अंदर जब हम आगे चलेंगे तो ये कोई जादुई अमल नहीं है कि हम बटन दबाएंगे तो मसले हल हो जाएंगे। आप स्टेट्स के नैरेटिव को रीबिल्ड करें और उसके मुताबिक फिर अपनी पॉलिसीज को और इम्प्लीमेंटेशन को लें और जहां जहां ग्रे एरिया है उनको कबूल करें कि ये हमारे ग्रे एरिया है और ये हमारी माजी की गलतियां हैं, हम इनको सपोर्ट करते रहे, अब इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मुझे इसके अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता। लेकिन मैं आपकी एक और आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, इंडिया और पाकिस्तान अगर ये दोनों ममालिक आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं फिर ये कहूंगा कि एक दूसरे के साथ डायलॉग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे
डायलॉग होंगे तो ये जितने ग्रे एरिया है ना, इनका कोई वे आउट निकल सकेगा। अगर हमने डेडलॉक करके गुफ्तगू करनी है दोनों तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान से हो और चाहे वो हिंदुस्तान से हो, उसका फायदा उन लोगों को होगा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात का बिगाड़ चाहते हैं, और वो चाहेंगे ये डेडलॉक बाकी रहे। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि ताल्लुकात दुरुस्त हो, वो अमूमी तौर पर यही कहेंगे कि डायलॉग कम अज कम स्टार्ट हो और फिर हम देखें कि उसके नतीजे में कुछ अच्छी चीजें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हो सके। देखिए, हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई है, आपकी पूरी जिंदगी गुजर रही है, हम इन जंगों में और इस तरह के तनाजात में कब तक उलझे रहेंगे? हमें कहीं तो वे फॉरवर्ड निकालना है। हमें दोनों मुल्कों की आवाम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है ना। हमने यहाँ जंगों पे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमने यहाँ पे दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म पे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो अब आप और एक और चीज देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान डिफरेंट किस्म के फोरम है, इकोनॉमिक फोरम है, सिविल सोसाइटी रिलेटेड फोरम है, मीडिया फोरम है, आपकी पॉलिटिकल फोरम है, आपके स्पोर्ट्स है, हर जगह पर हमने उनको बंदिश कर दी है। अब मैं पाकिस्तान, मेरे रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं, हैदराबाद दक्कन के अंदर, मेरी फुपियां जो है, मेरे रिश्तेदार काफी बीमार है, मैं पाकिस्तान से वहां जाना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कैसे मैं जाऊंगा? क्योंकि यहाँ तो आप लोगों ने वीजों के बारे में जितने मसाइल पैदा कर दिए हैं, और इसी तरीके से हिंदुस्तान से जो लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, दोनों मुल्कों ने चीजों को आसान बनाने की बजाय इतना मुश्किल बना दिया है कि हम अपने खूनी रिश्तों के साथ चीजों के साथ नहीं मैच कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि दोनों मुल्कों को सीखना होगा, ये कह देना कि सिर्फ पाकिस्तान को सीखना है, हिंदुस्तान को नहीं सीखना, और कोई ये कह दे कि हिंदुस्तान को सीखना है, पाकिस्तान को नहीं सीखना।